हेलो एवरीवन। सो फाइनली नीट का एग्जाम खत्म हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया इस बार, तुम सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। एक्चुअली मैं सेंटर गया था, वहाँ मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया। उन्होंने बताया कि बायोलॉजी इजी था, केमिस्ट्री थोड़ा टफ था, फिजिक्स हार्ड था, जो भी था बहुत सारे बच्चों का अच्छा गया और बहुत सारे बच्चों का खराब गया है। ठीक है, जिनका अच्छा गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट जिनका खराब गया उनका क्या यार, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम खराब गया था। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, मुझे पता है कि आप लोगों ने अपना 100% दिया था, आपने दिन रात पढ़ा, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, आपने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा था इस बार प्रिपरेशन के लिए। बट छोटी सी कोई भी चीज़ के लिए हो सकता है कि आपका मार्क्स कम बन रहे हो सकता है कि 600 से कम बन रहे हो मार्क्स आपके, हो सकता है कि कोई सिली मिस्टेक्स कर दिया हो आपने, हो सकता है कि वो मार्क थोड़ा सा गलत भर दिया हो, कुछ भी गलत हो सकता है, किसी का 550 आ रहा हो, 580 आ रहा हो, तो उनका क्या यार। आई नो लिटरली यार कि तुम लोगों को कैसा फील हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर ड्रॉपर होंगे, 2 ईयर ड्रॉपर होंगे, 3 ईयर ड्रॉपर होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा जब कोई मुझसे पूछेगा कि बेटा तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। देखो एक्चुअली क्या बात है ना कि तुम अभी एग्जाम देकर निकले हो, पूरे साल भर तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि तुम्हारा तुम कैसे पढ़ाई चल रही है, कैसे तैयारी चल रही है। बट जैसे ही अब एग्जाम खत्म हुआ सब तुमको कॉल करने लगेंगे, चाहे मौसा जी हो, मौसी हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो, दादाजी नानी हो, दूर के चाचा फूफा कोई भी हो, तुमको कॉल करके पूछेंगे बेटा एग्जाम कैसे गया, या तुम इस बार डॉक्टर बन रहे हो या फिर से ड्रॉप ले रहे हो, तुम कैसे बोलोगे उन्हें। मुझे पता है यार कि कैसे फील होता है, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। अभी तुम्हें कोई नहीं समझेगा कि तुम रियलिटी पता है क्या है यहाँ पर, कि कोई ये नहीं समझता है कि तुमने कितना मेहनत किया। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने दिन रात कितना पढ़ा था, तुमने क्या क्या सेक्रीफाइसेस की थी, ये बस तुम जानते हो, कोई तुमसे नहीं पूछेगा। बट लोगों को किससे फर्क पड़ता है, कि रिजल्ट से फर्क पड़ता है कि तुम डॉक्टर बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। चाहे कोई चीटिंग करके बने, चाहे कोई तुक्का मार के बने, कैसे भी बने, अगर तुम डॉक्टर बन गए तो हाँ भाई ने तो मेहनत किया था। अगर तुम डॉक्टर नहीं बन रहे हो, अगर तुमने नीट नहीं क्रैक किया, तो सब बोलेंगे अरे यार तो मेहनत ही नहीं किया था। बट रियलिटी तुम जानते हो, रियलिटी मैं जानता हूँ कि तुमने कितना मेहनत किया था, तुमने अपना कितना ज़्यादा एफर्ट दिया था, तुमने किन किन चीज़ों को सेक्रीफाइसेस किया है बस एक छोटे से एग्जाम नीट के लिए। बट ये जो 3 घंटा है नीट का पेपर, ये तुम्हारा लाइफ डिसाइड कर लेता है क्या। सच में यार एक पेपर किसी का लाइफ डिसाइड कर सकता है क्या। मानते हैं कि नीट का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, जिनका सपना होता है डॉक्टर बनना, बट सिर्फ 3.5 घंटा में किसी को जज करना सही रहेगा क्या, कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो नहीं क्रैक कर पाया, वो पूरा साल मेहनत नहीं किया, वो बर्बाद पूरा टाइम बर्बाद किया क्या, सच में क्या। एनो के तुम्हें पता चल ही गया वो कहीं ना कहीं से कि तुम्हारा मार्क्स कितने बन रहे हैं, बहुत सारे भी एनालिसिस चल रहे हैं, बहुत सारे भी बता रहे हैं कि आंसर की निकल गया है एलन का, कहीं से तुम लोग को पता चल गया होगा कि तुम्हारा मार्क्स कितना बन रहा है। तुमको पता है जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, जब मैंने एग्जाम सेंटर से निकला था, मेरे आंख में आंसू थे क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत ज़्यादा खराब गया था। बट फिर भी मैं हंस रहा था इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ना लगे कि मेरा एग्जाम खराब गया है। बिलीव करो वो मेरे लिए कितना हार्ड सिचुएशन रहा होगा पता है। और जब मैं आंसर की चेक कर रहा हूँ बायोलॉजी का, जब मैं चेक कर रहा था तो मेरे सही हो रहा है, सही हो रहा है, जैसे ये गलत का हो रहा था ना, मैं तुरंत बंद करके रख दे रहा था। मेरा दिल, मेरा जो हार्ट बीट था वो जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे पता है कि कैसा लगता है जब कोई अपना चेक कर रहा होगा मार्क्स, बट ये दूसरा कोई नहीं समझ सकता यार, ये आप और हम ही समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजर चुका है, जो इस सिचुएशन में रह चुका है। देखो मुझे पता है कि अभी मैं जो भी बोलूंगा वो इनफ नहीं होगा, मैं क्या, कोई भी आपको बोलेगा समझाएगा वो इनफ नहीं होगा, कोई भी आएगा आपको समझा के चल जाएगा कि कोई बात नहीं एग्जाम ही तो था, सब आएंगे बोलेंगे एग्जाम था कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं एग्जाम ही तो है खराब किया, कोई बात नहीं अगली बार ट्राई कर लेना, बट इनसाइड तुम्हें और कोई नहीं समझा सकता है, एक्सपेक्ट यू, क्योंकि तुम खुद हो जो तुम खुद को समझा सकते हो पता है। बट अगर तुम अभी गिर गए, अगर तुम अभी फिसल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी वो मोमेंट है जब खुद को संभालना पड़ेगा यार। मुझे पता है कि तुमने मेहनत किया है, मुझे पता है कि तुमने लड़ाई लड़ी, 21 लाख कैंडिडेट के सामने तुमने लड़ाई लड़ी एक गवर्नमेंट सीट के लिए। कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्या इसके लिए कुछ गलत कदम उठाना सही रहेगा यार। एक एग्जाम तुम्हारा लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। आई नो कि तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि मैं अभी बाहर में सबको क्या बोलूंगा, मैं अपने फैमिली को कैसे बताऊंगा, मैं अपने पापा मम्मी को कैसे बताऊंगा कि मेरा इस बार फिर से नहीं हो पा रहा है। लेकिन पेरेंट्स भी बोलेंगे यार चलो कि कोई बात नहीं, किसी तरह एग्जाम अच्छा खराब गया कोई बात नहीं अगली बार ट्राई कर लेना। बट सपने तो सबके सपने होते हैं ना,
उनका भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगा तुम्हारे साथ, वो भी अपना एक्सपेक्टेशन तुम्हारे ऊपर दोष रहे होंगे इस बार फिर से क्रैक नहीं कर पाया। बट तुमने मेहनत किया है और तुम ये अंदर से जानते हो कि मैंने कितना मेहनत किया है, ठीक है? चाहे कोई कुछ भी बोल ले तुमको, लेकिन तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा। तुम खुद ही हो जो तुम खुद को समझ पाओगे। ये जो स्टेज है ना अभी एक दो दिन, बहुत ही वल्नरेबल स्टेज है, ठीक है? अगर तुमने खुद को इन एक दो दिनों में संभाल लिया ना, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुमको पता है। और इतनी छोटी उम्र में जब कोई सपना देखता है ना, और जब उस सपने को दिल से लगा लेता है, और वो जब सपना नहीं मिलता है ना, सच में दिल टूट जाता है यार। सच में दिल टूट जाता है जब कोई इतना मेहनत करता है फिर भी उसे वो चीज़ नहीं मिलती है। तो अभी तुम्हारा समय ख़राब है, ठीक है? मानते हैं तुम्हारा समय ख़राब गया, बट यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज़ कि टाइम बीत जाता है, और टाइम के साथ ना बुरी चीज़ों भी बीत जाती है। इतनी छोटी उम्र में अगर तुमने खुद को संभाल लिया ना, फिर लाइफ में, मैं गारंटी देता हूँ, लाइफ में तुम्हें कभी भी गिरने का मौका नहीं मिलेगा। देखो तुमको पता है कि ज़िंदगी हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती है, और जो चीज़ तुम अभी सीखोगे ना, वो पूरी दुनिया के कोई भी किताब में ऐसी चीज़ नहीं लिखी होगी जो तुम खुद के लाइफ से इंस्पायर होकर खुद से सीखोगे। कंपटीशन की जब तुम तैयारी कर रहे होते हो तो सिर्फ कंपटीशन से तुम्हें नॉलेज नहीं मिलती है, बट तुम्हें पता चलता है कि ज़िंदगी जीनी कैसी है, ठीक है? यहाँ पर तुम गिरोगे, उठोगे, संभलोगे, यही तो लाइफ है यार। सिर्फ लाइफ में हमेशा सक्सेस नहीं मिलती, कभी कभी फेलियर भी मिलती है, और जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे ना यार, तब तक तुम कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तुम आज फेल हुए हो, तुम्हें ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और जैसे ही तुम एक्सेप्ट करोगे ना, उस दिन तुम एक नए इंसान बन के उभरोगे, और ये जो इंसान होगा वो तुम्हारा बेटर वर्जन होगा तुम्हारे पहले वाले से, ठीक है? तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस अलग होगी, तुम्हारी सोच अलग होगी, तुम्हारी नज़रिया अलग होगी दुनिया को देखने की, और इस दुनिया को चेंज वही करता है जिसका थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, ठीक है? अपने आप को संभालो यार, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अपने आप को संभालो अभी, ठीक है? अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चे से थोड़ा बात कीजिए जाके। आपका बच्चा अभी बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, वो भी चाहते हैं कि उनसे कोई थोड़ा सा बात कर ले। और जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं जिनका एग्जाम बहुत खराब गया, मैं चाहता हूँ बाबू किसी से अपना दुख शेयर करो, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हो, चाहे तुम्हारे भाई हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, कोई भी हो यार। और कोई नहीं हो तो मुझे ही लिखो यार, कमेंट नीचे नीचे कमेंट करो, मैं पढ़ूंगा यार। तुम्हारे मन में जितना फ्रस्ट्रेशन है यार, अगर तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है तुम गाली देखो कमेंट में, मुझे मुझे ऑफेंड नहीं होगे, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तुम हो जितना गाली है, तुमको जितना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे मन में जो भी है कमेंट में लिखो, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा, मैं उस कमेंट को रिएक्ट करूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि कैसा फील होता है। तुम अभी कैसा फील कर रहे होगे मैं बता भी नहीं सकता यार, बस तुम फील कर सकते हो, बस तुम ही फील कर सकते हो, क्योंकि पता है मैं अभी वीडियो बना दूंगा तुम सुन लोगे, लेकिन जिंदगी तुम्हारी है, तुमने मेहनत की थी, तुम गिरे हो, तुम्हें चोट लगी है, दर्द भी तुम्हें होगा। बट द बेस्ट थिंग अबाउट लाइफ इज ऑल अबाउट सेकंड चांस। लाइफ हमेशा सेकंड चांस देती है, अपने आप को सेकंड चांस देके देखो। बट फिलहाल मैं तुमसे यही कहूंगा कि यार इन सब चीज़ों से दूर रहो थोड़ा दिन, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को स्टेबलाइज करो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहली बात कि तुम अपना YouTube में ना इनकॉग्निटो मोड ऑन कर दो यार, ठीक है? वरना सिर्फ नीट 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 आता रहेगा। कुछ दिन बाद आएगा नीट माई सक्सेस स्टोरीज आने लगेंगे, कुछ दिन बाद आएगा हाउ आई क्रैक नीट 2023 आने लगेंगे, कोई अभी एलन का आ जाएगा, अभी आकाश का आ जाएगा, अन अकेडमी का आ जाएगा कि टॉप रैंकर इन्होंने किया 690 720, कट ऑफ आ जाएगा। अरे भाड़ में जाए, इनसे तुमको लेने देने का नहीं है, ठीक है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपने सोसाइटी को भी गोली मारो। अपने आप को कभी भी अपने नज़रों में गिराना नहीं है। जिस दिन तुमने अपने आप को अपने नज़रों से गिरा लिया ना, ये दुनिया तुम्हें नोच खाएगी, ठीक है? तुमने मेहनत किया था, तुम्हें तुम कायर नहीं हो, तुम एक फाइटर हो, ठीक है? ये तुम्हें समझना पड़ेगा, और तुम्हें अपना नज़र झुकाने की ज़रूरत नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि तुमने मेहनत किया था। तुमने 21 लाख कैंडिडेट में से हो जो कि नीट जैसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम पूरे इंडिया में, तुमने उसको अटेम्प्ट किया था, और तुम्हें बुरा लगेगा क्योंकि तुमने मेहनत किया था। जो बच्चे मेहनत नहीं किए तो उसे बुरा नहीं लगेगा, वो तो हंस कूद रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, बट जो बच्चे सच में सच्चे दिल से मेहनत कर किए होंगे उन्हें अभी बुरा लगेगा, और तुम्हें लगना भी चाहिए। अगर तुम्हें रोने का मन करा रो लो यार, बट बस आज के ही दिन। और खबरदार अगर तुमने कोई भी गलत डिसीजन लिया अभी, तो अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तुम्हें जैसा लग रहा है, जो लग रहा है, कमेंट करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने पापा मम्मी से बात करो, जिससे बात करना करो, लेकिन चुपचाप नहीं रहना है, और अपने आप को फेल्योर नहीं समझना है, क्योंकि तुम एक फाइटर हो, और जब तुम एक लंबी छलांग लगाओगे ना, तो दुनिया देखती रहेगी। मैं इंसिस्ट करूंगा जाके सो। अभी मैं इस वीडियो अभी इसलिए बनाया क्योंकि मुझे कमेंट कर रहे थे बहुत सारे बच्चे कि मुझे मर जाने का मन कर रहा है क्योंकि मेरा एग्जाम इतना खराब गया।
कोई कोई भी एग्जाम तुम्हारे लाइफ से बड़ा नहीं है यार, ठीक है? तुम्हारा लाइफ जो है ना वो बहुत प्रीशियस है, बहुत मायने रखता है। और भी बहुत सारे टाइम, और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे, ठीक है, कर लेंगे, बट हारना नहीं है, हार नहीं मानना है।